लेके जा रही है तू? मैं जहाँ जाने से तुम मुझे रोक रही थी। गाड़ी की चाबी तुमने दी मुझे, अब इतनी परेशान क्यों हो रही? आसमा बाहर निकल, मेरी मेरी गाड़ी से बाहर निकल। निकल जाऊंगी, घर थोड़ी बसाना है मुझे, और वैसे भी उसी जगह जा रही हूँ जहाँ तुम मुझे जाने से रोक रही थी। मेरी बेटी इंतजार कर रही है उस इवेंट में, एक बार पहुंच जाऊं फिर ले लेना अपनी गाड़ी। जब चीजें की हैं तुमने तो सजा तो मिलेगी ना। आसमा, 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 आसमा। दोनों बेटियां अरमान और आसमा की करवाएंगी अरमान और आसमा से डांस। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से अरमान और आसमा को ये बच्चियां होली में लेकर आ जाती हैं। होली फंक्शन में अरमान और आसमा के साथ हानिया और मेहर जो है प्लान बनाती हैं, जहां पर कहती हैं कि आप दोनों को साथ में डांस करना होगा। दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने मम्मी पापा को इंसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, जहां पर हानिया और मेहर कहते हैं कल हम स्कूल जाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, अगर आप चाहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। तो यानी कि अरमान और आसमा इन बच्चों के खुशियों के लिए साथ में डांस करते हुए देंगे दिखाई। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो भांग के पकोड़े रखे हैं ये दोनों बच्चियां इनका भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है कि हमारे मम्मी पापा लड़े झगड़े नहीं और साथ में एंजॉय कर सके। वैसे आपको बता दें यूनिवर्स भी इनका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अरमान मेहर से कहता है लाओ मैं तुम्हारे रंग लगा दूं, लेकिन मेहर कहती है नहीं बाबा मुझे कलर वलर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतने में अरमान के हाथ से जो रंगों की थाली है वो उछल जाती है और आसमा की मांग भर जाती है, जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अरमान और आसमा के बीच में अब बस कुछ पल की दूरी है और ये 5 साल की दूरी एक चुटकी में खत्म होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।